हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज मैं जहाँ पर मैं रहता हूँ, जिस घर पर मैं रहता हूँ, जो मेरा घर है, मैं दोस्तों रहता हूँ गोरखपुर सिटी में। और मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं सऊदी में था और आज कुछ दिन पहले मैं आ चुका हूँ इंडिया में। दोस्तों, ये मेरा पहला वीडियो है जो मैं इंडिया में रह के मैं बना रहा हूँ, और रिलैक्स होके, ताकि और कोई समस्या नहीं है, मैं रिलैक्स होके मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोग बीच में मैं शेयर करूँ। दोस्तों, बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो सऊदी अरब जाना चाहते हैं। मैं आपको इसी के विषय में मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप लोग सऊदी अरब जाना चाहते हैं तो किस फील्ड में जा सकते हैं, आप किस काम में जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, सऊदी अरब में लगभग मेरा 7 साल मैं वहाँ पर रहा हूँ और मैं फ़िलहाल छुट्टी पर आया हूँ सऊदी अरब से। तो कुछ मेरा एक्सपीरियंस है, तो मैं वह आपको बीच में मैं शेयर करने वाला हूँ। तो अगर आप लोग भी इंटरेस्टिंग हैं मेरे जानकारियों को सुनने के लिए, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, और अगर आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं विदेश जाऊं, विदेश में रह कर पैसा कमाऊं और अपनी जो पारिवारिक जो समस्याएं हैं उसको हम पूर्ण करें, उसको दूर करें, ताकि और कोई समस्या ना हो। दोस्तों, आप लोग अगर जाना चाहते हैं सऊदी अरब में या फिर कुवैत में, बहरीन में, दुबई में, कतर में, तो आप लोग जा सकते हैं। दोस्तों, बहुत ही अच्छी जगह है, बेकार जगह नहीं है। थोड़े से रूल स्ट्रिक है वहाँ पर, लेकिन दोस्तों वहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी मिलनसार लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप के साथ व्यवहार गलत किया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोगों को क्या है कि वहाँ पे दोस्तों एक और पॉइंट्स आप लोगों को मन में होगा कि यार, मैं हिंदू हूँ और वहाँ मुस्लिम लोग रहते हैं, मुस्लिम कंट्री है, तो हमारे साथ कुछ गलत व्यवहार किया जाएगा या फिर मुझे मारा जाएगा, पीटा जाएगा। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप लोगों की थिंकिंग है जो गलत थिंकिंग आप लोग बैठा चुके हैं मन में। अगर आप लोग जाना चाहते हैं अरब देश में, तो आप लोग हाउस वर्क में भी जा सकते हैं, आप लोग जो डोमेस्टिक वर्क कहा जाता है उसको, और आप लोग कंपनी में भी जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग कंपनी में जाना चाहते हैं या फिर डोमेस्टिक वर्क में जाना चाहते हैं, तो दोस्तों उसके लिए कुछ ऐसे काम होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे, तभी आप लोग विदेश में रह के कुछ पैसे कमा सकते हैं, अन्यथा आप लोग पैसा नहीं कमा सकते हैं, आप लोग परेशान रहिएगा। तो पहला मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि अगर आप लोग विदेश जाना चाहते हैं, तो यह मान के जाइए कि आप लोग एक जेल में जा रहे हैं। हाँ दोस्तों, अगर विदेश जा रहे हैं तो आप ये समझ जाइए कि आप लोग जेल में जा रहे हैं। फ़र्क बस इतना है कि वहाँ पे आप घूम सकते हैं, वहाँ पे आप बाहर निकल सकते हैं, अपने मर्जी का कुछ सामान खा सकते हैं, खरीद सकते हैं, ये फ़र्क है वहाँ पर, बाकी जेल जैसा ही है। क्योंकि दोस्तों, आप जा सकते हैं अपने मर्जी से, लेकिन वहाँ से आपको आने में आप अपनी मर्जी से नहीं आ सकते हैं। आपको वहाँ से आने के लिए आपको अपनी कंपनी या आपके कफिल, जो आपका स्पॉन्सर है, उसके मर्जी से ही आप आ सकते हैं, अन्यथा आपको वेट करना पड़ेगा। नहीं तो आप जो लीगल तरीका होता है, जो वहाँ पे लेबर कोर्ट होता है उसके माध्यम से, या फिर जो एम्बेसी होती है उसके माध्यम से आप लोग अपने वतन आ सकते हैं। दोस्तों, एक बात और मैं बताऊँगा आपको कि अगर आप लोग वहाँ से इमरजेंसी आना चाहते हैं, जैसे मानिए आपके वहाँ कुछ घटना घट गया, ऐसा न घटे, मैं दुआ करूँगा ऐसा घटना न घटे, लेकिन मानिए आपका कुछ इमरजेंसी हो गया या फिर किसी का देहांत हो गया, इंतकाल हो गया, तो आप जाना चाहते हैं इमरजेंसी में, तो दोस्तों ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। यानी आप मान लें कि 10% ही, 15% ही लोगों का साथ ऐसा होता है कि वो तुरंत उनका छुट्टी लग जाता है और वो तत्काल टिकट लेके उलवा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे जो भी अधिकतर जो वर्कर हैं, जो लेबर वर्कर हैं, वो क्या है कि बाहर काम करते हैं सब। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं जो बाहर काम करते हैं, अंदर काम नहीं करते हैं सब। कंपनी में काम तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बहुत सारे बंदे हैं जो बाहर वर्क में काम करते हैं, आज़ाद वीजा आप बोल सकते हैं उनको। इस काम को बहुत सारे लोग आज़ाद वीजा के नाम से जानते हैं, लेकिन दोस्तों वो लोग बाहर काम करते हैं, तो मंथली जो पैसा होता है अपने कपिल को, अपने स्पॉन्सर को देते हैं लोग, और वहाँ काम करते हैं लोग, काफ़ी अच्छा है, इनकम भी उनका होता है। लेकिन दोस्तों, अगर आप लोग जहाँ चाहते हैं, तो आप लोग कुछ ऐसी बातों को ध्यान दीजिए ताकि आपको वहाँ पर जाके परेशानी ना हो। अगर आप लोग विदेश जहाँ चाहते हैं, तो आप लोगों के पास कोई एक या दो स्किल जो होता है, जो काम जो होता है, वो आप लोग सीख कर जाइए। ऐसा नहीं कि आप कुछ जानते नहीं हैं, कुछ काम आपने सीखा नहीं है और आप जा रहे हैं वहाँ पर। दोस्तों, बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करिएगा। अगर आप लोग विदेश जाते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपको वहाँ से जा रहे हैं तो वहाँ आपको
कोई ना कोई काम सीख के जाइए। ऐसा नहीं कि आप लोग काम नहीं सीखिएगा और सोच रहे हैं कि मैं जाऊंगा वहाँ पे लेबर वर्क में काम करूंगा, पैकिंग करूंगा या फिर घर का मैं काम करूंगा तो आपको इनकम होगा। तो दोस्तों ये आपके लिए आप गलत सोच रहे हैं। वो काम जानते हैं करते हैं वो आपके लिए अलग है, लेकिन आप प्लस पॉइंट पे चलिए, एक और काम सीख कर जाइए ताकि आपको किसी भी वक्त कोई समस्या ना हो। क्योंकि दोस्तों ज़रूरी नहीं है कि आप जो काम सीख के जाएंगे वो काम वहाँ पे मिलेगा आपको। इस बात को आप लोग 101% यह मान लीजिए कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप जिस काम में जा रहे हैं वही काम आपको मिलेगा। तो इससे आप लोग बेफिक्र रहिए और टेंशन मुक्त रहने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप लोग चाहते हैं तो कोई एक्स्ट्रा जो काम करते हैं आप उसके अलावा भी कोई काम सीख कर जाइए। और सऊदी अरब अगर आप लोग जाते हैं या अरब मुल्क के किसी भी कंट्री में जाते हैं तो यह आप लोग जान लें कि आप लोगों के साथ अगर कुछ भी होता है, आपको काम नहीं दिया जाता है, आपको सैलरी नहीं दिया जाता है, आपको मारा जाता है या आपको जिस काम में बुलाया गया उस काम में न छोड़ के आपको किसी और अन्य काम में भेज दिया जाता है, ऊँट चलाने के लिए, बकरी चलाने के लिए या फिर बिल्डिंग वर्क के लिए, तो दोस्तों आप लोग यहाँ से ही मन में बैठा लें कि हम जाएंगे वहाँ पे तो मुझे जो काम मिलेगा वो मैं करूँगा। अगर आप लोग मन में पहले से ही अगर आप लोग दिमाग में बैठा के नहीं जा रहे हैं कि मुझे जो काम मिलेगा वो मैं करूँगा या फिर जो मैं काम टेस्ट दे रहा हूँ या जो काम मैं एजेंट मेरा बोल रहा है वही काम हमको मिलेगा और वही काम हम करेंगे, तो यह आप लोगों के लिए आगे चल के समस्या खड़ी हो सकती है। क्योंकि दोस्तों यहाँ बोलना कोई भी एजेंट रहता है वो बोलता है उसकी बातों पर लोग विश्वास तो कर लेते हैं, लेकिन जब आदमी वहाँ पहुँचता है तो उसके लिए बहुत बड़ी समस्याएं खड़ी हो जाती है। क्योंकि दोस्तों वहाँ पे फर्स्ट जो समस्या आती है, पहला जो समस्या आती है वो आपकी होती है लैंग्वेज की। आप वहाँ की लैंग्वेज जानते नहीं हैं और यही सबसे बड़ी वहाँ समस्या है। जब तक आप वहाँ का लैंग्वेज को नहीं पकड़िएगा, भाषा को नहीं पकड़िएगा, तब तक आप अपने लिए या अपने भले के लिए या आपके साथ जो वहाँ पे गलत हो रहा है उसके खिलाफ आप आवाज़ नहीं उठा सकते हैं। तो आप लोग कोशिश करिएगा कि अगर आप लोग जाते हैं किसी भी कंट्री में तो पहले वहाँ का लैंग्वेज, कुछ लैंग्वेज आप सीख लीजिए घर पर ही। इंटरनेट का ज़माना है, आप लोग आराम से सीख सकते हैं ताकि अन्य और कोई समस्या ना हो आपके साथ। तो दोस्तों और भी बहुत सारी बातें हैं जो मैं आपको धीरे धीरे मैं बताऊँगा और मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी थोड़ी सी बातें आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी हो दोस्तों तो मेरे वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्द एक नए व्लॉग में, तब तक आप लोग का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।